कर्नाटक विधानसभा चूंटणी में बहुमती साथ जीत बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री की पसंदगी करने कवायत चाली रही है। पार्टी नेताओं कहवुं है कि 2-3 दिवस में नवा सीएम नाम की जाहरात थी जैसे। रविवार बेंगलुरु में थे कांग्रेस धारासभ्य दल की बैठक में सर्वसम्मति प्रस्ताव पास थोड़ा कि धारासभ्य दल नेता की पसंदगी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते कर्नाटक मुख्यमंत्री हे। आ साथ ज मुख्यमंत्री पद में खेमाबंदी हम दिल्ली में केन्द्रित थी। मुख्यमंत्री पद में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार रेस में। बागेश्वर धामना कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में पटना नौबतपुरा में तरित मठ में हनुमान कथा संभळावी रहा है। जेमा भारी भीड़ और आकरी गर्मी ने कारण घणा लोकोनी तबियत बगड़ी। त्यारबाद धीरेन्द्र शास्त्रीए आज योजनारो दिव्य दरबार स्थगित कर्यो। तेमणे कह्युं कि कथा पूरा 5 दिवस चालशे परंतु भारी भीड़ वच्चे कोईपण प्रकारनी अजीय घटना न बने ते माटे दिव्य दरबार बंद राखवानो निर्णय कराव्यो छे। पंडाल में ऑक्सीजन की कमी वर्ताता घणा लोकोनी तबियत बगड़ी जे बाद कथा ने निर्धारित समय करता वहली पूरी करनी पड़ी। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी सरकार ने नव वर्ष कार्यकाल पूरो कर्यो। जेना उपलक्ष्य में भाजप एक महीना सुधी प्रदेशभर में कार्यक्रम योजे। 15 मे थी 15 जून सुधी मोदी सरकार ने उपलब्धियों ने लई जनता वच्चे जशे। साथ ज पीएम मोदी ने देश में रेलियो और लोकसभा की चूंटणी शंखनाद करशे। जेमा 3 रेली उत्तर प्रदेश में करवानी योजना है। उत्तर प्रदेश में स्थानिक स्वराज की चूंटणी में जीत मेळवा साथ ज भाजपे लोकसभा की चूंटणी की तैयारी शुरू करी है। लोकसभा स्तर पर 5 और विधानसभा स्तर पर 4 अलग अलग कार्यक्रमों आयोजन कराशे। पीएम मोदी जून में देशभर में लगभग 20 रेलियों करशे। दिल्ली सहित उत्तर भारत अनेक राज्यों में गर्मी पारो आसमाने पहुंचे। राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में काळझाळ गर्मी पड़ी। दिल्ली गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र मोटाभागना शहरों में शनिवार गर्मी पारो 40 डिग्री ने पार रह्यो। अनेक जगह 44-45 डिग्री सुधी महत्तम तापमान नोंधायुं। मैदानी विस्तारों में तापमान 40 डिग्री ने पार पहुंचता हवामान विभागे लू लागवानी संभावना व्यक्त करी छे। वर्ष 2023 कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी में कांग्रेस 135 बैठकों साथ पूर्ण बहुमत मेळव्यु त्यारे हवे प्रदेश मुख्यमंत्री कोण बनशे मुद्दे अटकळो तेज थई छे। कर्नाटक कांग्रेस वर्किंग अध्यक्ष रामालिंगा रेड्डीए कह्युं कि दरेक पार्टी में महत्वाकांक्षी लोको होय छे। मात्र सिद्धारमैया के डीके शिवकुमार ज नहीं परंतु एमबी पाटिल अने जी परमेश्वरा पण मुख्यमंत्री पद इच्छे छे। तेमणे कह्युं कि घणा लोकोने सीएम बनवानी इच्छा होय छे परंतु एक ज व्यक्ति मुख्यमंत्री बनी शके छे। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी में कांग्रेस पार्टी भव्य जीत मेळवी त्यारे कांग्रेस धारासभ्य मंडल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 निरीक्षकों की निमणूक करी छे। मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जितेन्द्र सिंह और दीपक बापरिया ने निरीक्षक तरीके निमणूक करी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाले कहूं कि केन्द्रीय निरीक्षकों धारासभ्य मंडल की बैठक संचालन करते। कांग्रेस धारासभ्य मंडल की बैठक में कर्नाटक मुख्यमंत्री कोण हशे ए मुद्दे निर्णय ले। कर्नाटक विधानसभा चूंटणी में जीतनी कांग्रेस कार्यकरो उजवणी में मस्त और व्यस्त है परंतु पार्टी माटे सौथी मुश्किल काम सीएम की पसंदगी छे। सूत्रों मते मध्यप्रदेश पंजाब और हवे राजस्थान में पार्टी बे वरिष्ठ नेताओं वच्चे चालती लड़ाई में शीख मेळवी कांग्रेस कर्नाटक में सीएम पद माटे कंईक अलग विचारे तेवी शक्यता छे। कर्नाटक में कांग्रेस बन्ने नेताओं ने 2.5 वर्ष मुख्यप्रधान बनावाना फॉर्म्यूला पर काम करी रही छे। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी में कांग्रेस पार्टीए भव्य जीत मेळवी। पार्टी विधानसभा की चूंटणी में 135 बैठकों साथ पूर्ण बहुमत मेळव्यो त्यारे कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश प्रमुख डीके शिवकुमार बेंगलुरु स्थित निवासस्थान बहार समर्थकों डीके शिवकुमार ने सीएम प्रदेश सीएम बनावामां आवे तेवी मांग साथ पोस्टर लगावामां आव्या छे। कर्नाटक कांग्रेस दिग्गज नेता सिद्धारमैया समर्थकों तेमना निवासस्थान बाहर तेमना नेता ने मुख्यमंत्री बनावामां आवे तेवी मांग करता पोस्टर लगाव्या। आज रीते डीके शिवकुमार समर्थकों पर बेंगलुरु स्थित तेमना निवासस्थान बाहर तेमना नेता ने सीएम बनावामां आवे तेवी मांग करता पोस्टर लगाव्या। कर्नाटक में हवे मुख्यमंत्री कोण बनशे ए चर्चाए जोर पकड्युं छे। कांग्रेस धारासभ्य प्रियांक खड़गे कहूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया वच्चे फोन पर बातचीत थई शके छे।
जो कि बन्ने वच्चे बिन राजनैतिक बातचीत थई होवानो प्रियांक खड़गे दावो कर्यो। प्रियांक खड़गे कहू कि कांग्रेस पार्टी की धारासभ्य मंडल की बैठक थशे अने तेमां दरेक व्यक्ति ना अभिप्राय लेवाशे। आ बैठक बाद कर्नाटक में सीएम कोण बनशे ए मुद्दे अंतिम निर्णय लेवामां आवशे। उद्धव ठाकरे समूह की शिवसेना नेता संजय राउते कहू कि कर्नाटक तो झांकी, महाराष्ट्र सहित समग्र देश हजू बाकी। कर्नाटक चूंटणी परिणामों दर्शाई दीधुं छे कि सामान्य प्रजा तानाशाही ने हरावी शके छे। तेमणे कहू कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चूंटणी जीती गई, तेनो अर्थ ए थाय छे कि बजरंग बली कांग्रेस नी साथे छे, भाजपनी साथे नहीं। राष्ट्रीय जनता दलना सांसद मनोज कुमार झाए जणाव्युं कि कर्नाटक में कांग्रेसे भव्य जीत मेळवी, भाजप अने कांग्रेस वोटशेर में लगभग 7% नो तफावत छे। तेमणे कह्युं कि अन्य विपक्षी दळोए पण लोकोना मुद्दा पर राजनीति करवी जोईए, ज्यारे आवुं थशे त्यारे लोकतंत्र वधु मजबूत थशे। छत्तीसगढ़ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेले कह्युं कि बजरंग बली हमेशा धर्मनी साथे रह्या छे अने हमेशा अन्यायी और अत्याचारी लोगों ने ध्वस्त करे छे। तेमणे कह्युं कि कर्नाटक में आज थयुं अने आगळ पण आवुं ज थशे। बघेले कह्युं कि बजरंग बली भाजप साथे नथी, बजरंग बली नो आशीर्वाद नो तो अमने आशीर्वाद फक्त ने फक्त अमने मळ्यो छे। कर्नाटक में हार बाद हवे मणिपुर भाजप में पण नाराजगी फैलाई छे। मणिपुर में थयेली हिंसाथी भाजपना केटलाक नेताओं नाराज छे। मणिपुर में भाजपना नेताओं अने धारासभ्योए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह विरुद्ध अवाज उठाव्यो छे। राजस्थान में जाहिर सेवा आयोग पेपर लीक कांड की योग्य तपास करवामां आवे तेवी मांग साथे कांग्रेस नेता सचिन पायलटे जनसंघर्ष यात्रा करी रह्या छे। त्यारे आ मुद्दे बातचीत करता सचिन पायलटे कह्युं कि आपणे सिस्टम में फेरफार लावानी जरूर छे। पेपर लीक एक गंभीर समस्या छे अने तेना उकेल माटे तेने वधु पारदर्शक बनावानी जरूर छे। उत्तर प्रदेश मेयर की चूंटणी में भाजप ने जोरदार जीत मिली, जयरे आ चूंटणी में विपक्ष तो सुपड़ा साफ थी गया। आ जीत की भाजप में खुशी माहौल है, जयरे विपक्षी नेताओं राज्य सरकार पर अनेक सवाल उठाया। बसपा सुप्रीमो मायावती आरोप लगवा कि सरकारी सत्ता दुरूपयोग थी रो पार्टी आ मुद्दा पर चूप नहीं रहते। कर्नाटकनी चूंटणी बाद हवे दिल्ली में हलचल तेज थवा लागी छे। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल साथे आदित्य ठाकरे मुलाकात करी। केजरीवाल साथे नी आ मुलाकात बाद हवे एवो अनुमान लागी रह्युं छे कि टूंक समय में ज महाराष्ट्र की राजनीति में कोई मोटो फेरफार थई शके छे। सीबीआईना नवा डायरेक्टर तरीके कर्नाटकना डीजीपी प्रवीण सूद की निमणूक करवामां आवी छे। सीबीआईना नवा डायरेक्टर की पसंदगी करवा माटे शनिवारे हाई लेवल कमिटी की बैठक योजाई। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे हाई लेवल कमिटी की बैठक में त्रण आईपीएस अधिकारीओना नाम पर चर्चा करवामां आवी। जम्मू कश्मीर में आतंकीओना खात्मा माटे ऑपरेशन चाली रह्युं छे अने अनंतनाग में सेनाना जवानो अने आतंकीओ वच्चे अथडामण चाली रही छे। अनंतनागना अनवान सागरम विस्तार में सीआरपीएफ जवानों मोर्चो संभाळ्यो। स्थानिक पुलिस और सुरक्षा दल ऑपरेशन चलावी रहा छे। वर्ष 2008 में जयपुर में थयेला सीरियल ब्लास्ट में मृत्यु पामनार लोकोना परिवारजनोए राजस्थान हाईकोर्टना आरोपीओने निर्दोष छोड़ी मूकवाना आदेश सामे अपील अरजी दाखिल करी। सुप्रीम कोर्टे अपील अरजी पर 17 मे ना रोज सुनावणी हाथ धरशे। राजस्थान हाईकोर्टे जे 4 पुरुष आरोपीओने निर्दोष छोड़ी मूक्या छे तेमने अगाउ ट्रायल कोर्टे मृत्युदंडनी सजा फटकारी। हवे आ मामलो सुप्रीम कोर्टमां पहोंच्यो छे। 13 मे 2008 ना रोज जयपुर शहेरना अनेक विस्तारोमां विस्फोट थया हता अने तेमां 71 लोकोना मृत्यु थया हता। अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य नव वीडियो सामने आयो। श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी कर वीडियो में जी शकाय कि मंदिर में निर्माण कार्य चाली रू है। श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण कर मंदिर निर्माण कार्य ऑगस्ट 2020 में शुरू थे, लगभग डिसेम्बर 2023 सुधी निर्माण कार्य पूरू थी जैसे शक्यता व्यक्त कराई। जापानी सेमी कंडक्टर बनावती कंपनी सीईओए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथ मुलाकात करी। बन्ने वच्चे सेमी कंडक्टर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विविध पासाओं पर चर्चा थी। शुक्रवार प्रधानमंत्री मोदी और जापान उद्योगपति वच्चे आ मुलाकात थी। आ मुलाकात अंगे प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर उल्लेख कर पीएम मोदी ट्वीट कर लख्यू के
तोशी शिबाता साथ महत्वपूर्ण मुलाकात थी। रशिया ने यूक्रेन वच्चेना युद्धे फरी जोर पकड़्यु छे। यूक्रेन पर हुमलानो प्रयास करना रशियाना चार सैन्य विमानों ने यूक्रेन तोड़ी पाड़े। यूक्रेननी सरहद नजीक रशियाना विमान सेनाए ध्वस्त कर्या। रशिया ने यूक्रेन वच्चे चाली रहेला संघर्षना कारणे बन्ने देशों ने घणुं नुकसान थयुं। छेल्ला घणा दिवसोथी युद्ध विरामनी स्थिति हती, परंतु शनिवारे फरी एकवार रशियाए तेना लड़ाकू विमान यूक्रेननी सरहद नजीक घुसाड़ता स्थिति तंग बनी। यूक्रेननी सेनाए बे रशियन फाइटर जेट और बे लश्करी हेलिकॉप्टर ने तोड़ी पाड़े। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान इमरान खाने सेनानी झाटकनी काढ़ी, कहूं कि पाकिस्तानी सेनाए राजकारण झंपलावा बदल शरम अनुभवी जोईए। लाहौर में देश ने संबोधन दरमियान इमरान खाने कहूं कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ना आरोपों ने फगावी दीधा है और कहूं कि जयरे पाकिस्तानी सेनाना प्रवक्ता जन्म थयो नहोतो त्यारे पोते विश्व में पाकिस्तान प्रतिनिधित्व कर रहा था। इमरान खाने कहूं कि मैं पाकिस्तान ध्वज की लाज राखी छे। भावनगर में डमी उम्मीदवार कांड में वधु एक आरोपी ने पुलिस झड़पे। भावनगर एसओजीए तड़ाजा तालुकाना पेपरड़ा गाम में रहता भावेश जेठवा की धरपकड़ करी 36 लोगों सामे एफआईआर करी, जेमा भावेश जेठवा पर नाम छे। एफआईआर में नाम होय तेवा 21 मणी कुल 43 आरोपी ने अत्यार सुधी धरपकड़ थी। दरिया में मछीमारी करती वक्त पाकिस्तान कोस्टगार्डे पकड़ेला गुजरात 184 मछीमारों ने पाकिस्ताने मुक्त कराया। तमाम मछीमारों वहली सवारे 5 वगे अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस ट्रेन में वतन गुजरात परत फर्या। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर राज्य मत्स्य उद्योग मंत्री राघवजी पटेले मछीमारों स्वागत कर। राज्य मत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री राघवजी पटेल, सचिव भीमजी आनी, मत्स्य उद्योग नियामक नितिन सांघवा ने वडोदरा तमाम मछीमारों स्वागत कर। डभोई तालुकाना नड़ा गामे 8 वर्षनो बाळक तळावमां डूब्यो। बाळक साथे रमता रमता ते तळावना किनारे पहोंच्यो हतो। स्थानिकोए शोधखोळ करता बाळक तळावमां डूबी गयो होवानी माहिती मळी। डभोई अने वडोदरा फायर फाइटर टीम घटनास्थळे पहोंची बाळक नड़ा गामे मजूरी करवा आवेला मध्यप्रदेश अलीराजपुरना परिवारनो होवानुं जणाय छे। राजूलाना कातर गाममांथी वन विभागे बे दीपड़ाने झड़पी पाड्या। दीपड़ाना हुमलामां बे वर्षना बाळकनुं मृत्यु थता समग्र पंथकमां शोक छवायो, जे बाद वन विभाग एक्शनमां आव्यो। अलग अलग टीम बनावी मोड़ी रात्रे मेगा ऑपरेशन हाथ धर्यु। महामेहनते मोड़ी रात्रे बे दीपड़ा कतार गाम नजीकथी पकड़ी पड़ाता ग्रामजनोए राहतनुं श्वास लीधो। गिरिमथक सापुतारा में वातावरण में एकाएक पलटो आव्यो। गिरिकंदरा में गाढ़ धुम्मस छवाता मनोरम्य वातावरण सर्जायु। भरुनाड़े बदलायेला मौसम ना मिजाजथी प्रवासियों में आनंद छवायो। वरसादी माहौल वच्चे मॉर्निंग वॉक की सहेलाणीओए मजा माणी। जूनागढ़ गिरनार पर अचानक हवामान में पलटो आव्यो। गत रात्रिथी गिरनार पर भयंकर भीनी आंधी आवी, जेमां सीढ़ीओ अने मकानो भीना थई गया। ते वहेली सवारे भारे पवन फूंकाता रोपवे सेवा बंद कराई। उनाळानी काळझाळ गरमीनी सीजन में भाग्ये जाव वातावरण सर्जाय छे। हजू 4 दिवस अगाउ ज 45 डिग्री थी गिरनार पर्वत शेकायो हतो, त्यारे हवे अचानक भारे पवन फूंकाता रोपवे सेवा बंद कराई छे। अरवली में वात्रक जलाशय में सिंचाई 40 क्यूसेक पानी केनाल में छोड़ायु। डेम डाबा कांठा केनाल में घासचारा पानी छोड़वामां आव्यु। उनाळु पाक सहित घासचारा जरूरियात जणाता छेल्ला तबक्कानुं आ पानी छोड़ायु। पाक के घासचारो मुरझाई न जाय ते माटे पानी छोड़वामां आवता खेडूतो खुश थया छे। सूरत सिविल हॉस्पिटल वर्ग 4 कॉन्ट्राक्ट कर्मचारी वेतन की मांग साथ धरना पर बैठा। कॉन्ट्राक्टरे 19,000 पगार चुकवानो वायदो कर्यो, परंतु 3 महीना पूरा थई जता पूरतो पगार जमा थयो न होवाथी कर्मचारी आक्षेप कर्यो। सिविल सुप्रिटेन्डेंटनी ऑफिसर बहार कर्मचारी धरना कर्या। द्वारका में मध्य दरियाई धनलक्ष्मी नामना मालवाहक जहाज में एकाएक आग फाटी निकली। मालवाहक जहाज में कुल 8 खलासियों ने ओमान कोस्टगार्डे रेस्क्यू कर बचाव्या। जहाज में भीषण आग लागता जहाज बढ़ीने खाक थई गयो। अमदावाद ग्राम्यनी हद में एएमसीए दरोड़ा पाड़ा। अमदावाद थी राजकोट रोड पर बगोदरा होटल वेनी सामेना रोड पर दरोड़ा पाड़ा, ज्यांथी 7,170 विदेशी दारू की बॉटल जेनी किंमत 27,26,100 रूपया दारू कब्जे कर्यो। कैप्सिकम और मरचा की आड़ में दारू जत्थो छुपावेलो, जेने कारण
एएमसी कुल 47,84,600 नो मुद्दा माल कब्जे कर्यो। दरोडा दरमियान बे वाहन चालक फरार थता एएमसीए बन्ने वाहन चालक ने वोन्टेड जाहिर कर्या। केनेडा में अभ्यास करता विद्यार्थी आयुष पटेल मृतदेह भावनगर सिद्धसर गाने लवाय। आयुष पटेल 4 वर्ष की टोरेंटो में आवेली यॉर्क यूनिवर्सिटी में अभ्यास करतु। गत 5 तारीखे आयुष पटेल यॉर्क यूनिवर्सिटी खाते जवा निकलो, जो कि बाद में मृतदेह मिलो और जाण थता परिवार पर आप तूटी पड़ो। आयुष पटेल पार्थिव देह सिद्धसर गाने लवाय। वर्ष 2004 सचिन विस्तार में विश्वनाथ नामना युवक की हत्या केस में फरार आरोपी रमेश महापात्रा 19 वर्षे झड़पायो। सूरत क्राइम ब्रांचे आरोपी रमेश ने तमिलनाडु थी झड़पे। मात्र रूपया 500 की लेती देती मामले रमेश और तेना अन्य बे सागीरतों ने विश्वनाथ की चक्कूना घा झीकी हत्या करी हती। हत्या बाद ते फरार हता। सूरतना उत्तराणमा विस्तार में थयेली युवक की हत्या भेद उकेलायो। सूरत क्राइम ब्रांचे पूना विस्तार में 3 आरोपी की धरपकड़ करी। मल्हार पान पार्लर नजीक रात्र 11:30 वगे युवक पर केटलाक शख्सोए घातकी हमलो कर्यो। आ हमला में इजाग्रस्त भाविन गोयल टूंकी सारवार बाद मृत्यु थयुं। उत्तराण पुलिसे आ अंगे हत्या गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। पुलिस बातमी आधार पूना बीआरटीएस जंक्शन नजीक से सुशील पवार आशीष पवार सहित 3 आरोपी की धरपकड़ करी। मुंबई पुलिस ऑफिसर पर बे वक्त फायरिंग करी लूटधाड़ आर्म्स एक्ट जेवा गंभीर गुना आरोपी ने सूरत पुलिस झड़पी पाड़ो। आरोपी जेम्स उर्फे सेम जेफ्रेन अल्बेंडा ने मुंबई थी झड़पी पड़ायो। 2015 वर्ष में गोवा कर्नाटक राज्य कारवार में इन्कमटेक्स ऑफिसर ने ओळख आपीने 35,00,000 रूपया की लूट चलावी थी। तेमज आरोपी गैंग बनावी सोना चांदी ने अनेक लूट में सामिल है। अलग अलग 11 गंभीर गुना में आरोपी अत्यार सुधी 12 वर्ष जेलवास भोगवी चुक्यो छे। सूरत में मेडिकल स्टोर ना मालिक साथ ठगाई करना आरोपी ने पुलिस धरपकड़ करी। झड़पायेला आरोपीए सस्ता में सोना हार आपवानी लालच आपी वेपारी साथ ठगाई करी। 28 डिसेम्बर 2022 रोज कामरेड हलधरू गाम में मेडिकल स्टोर पर अजाण्य ईसम आव्यो। बहन लग्न होवाथी रूपियानी जरूर छे तेम कही आ ईसमे वेपारी ने 5,00,000 की किमत हार 1,00,000 रूपया में आपवानुं कह्युं। वेपारीए लालच आपी हार 1,00,000 रूपया में खरीद्यो। त्यारबाद तेनी खराई करावता ते खोटू होवानुं सामे आव्युं। बनासकांठाना कांकरेज तालुका में कसरा गामे छेतरपिंडीना केस में पुलिसे एक आरोपी की अटकायत करी। जयंती ठाकुर नामना शख्से एक अभण व्यक्ति खोटा डॉक्यूमेंट बनावी तेने मृत बताव्यो ने 2,00,000 रूपया वीमो पास करावी पैसा चाव कर्या होवानी पुलिस फरियाद नोंधाई। जेने आधारे पुलिसे जयंती ठाकुर की अटकायत करी वधु तपास हाथ धरी। राजकोट 150 फूट रिंग रोड पर रामापीर चौकड़ी पास हिटेंडर की घटना बनी। वैभवी कार में एक युवक टक्कर मारी थी जेमा युवक मृत्यु थयो। अकस्मात सर्जनारी कार में युवती होवानुं सामे आव्युं। अकस्मात बाद कार में रहेला बन्ने शख्सों नासी छूट्या। आरटीओ की वेबसाइट पर वीरेन जसाणी नामना बिजनेसमेन की आ कार छे। राजकोट नो सोनी बाजार जाने बाढ़ मजूरी नो हब बनी गयो होय तेवुं लाग्यु। बाढ़ सुरक्षा विभागे मजूरी काम माटे रोकेला बाळकों ने मुक्त कराव्या। पश्चिम बंगाल थी सोनी काम मजूरी माटे बाढ़ मजूरो लवाया हता एवा 70 बाढ़ मजूरो ने मुक्त कराय। तेमज 20 जेटला वेपारी सामे डिविजन पुलिस मथके फरियाद नोंधाई। वडोदरा लक्ष्मीपुरा में रहता चेतन वाणंद भरवाड़ युवक पास थी रूपया 3.90 लाख व्याजे पैसा लीधा था। जेना व्याजपेटे रूपया 9,00,000 परत कराया तेम छता व्याजकोरे वधु रकम की मांग करी। चेतन वाणंद व्याजकोरोना त्रास थी कंटाळी गयो अने जंतुनाशक दवा गटगटावी लीधी जेथी सारवार अर्थे गोत्री होस्पिटल लई जवायो परंतु टूंकी सारवार बाद तेनुं मृत्यु थयुं। अरवलीना मालपुर में गत रात्रे तस्करोए तरखाट मचाव्यो छे। तेमज बस स्टेण्ड सामे आवेली 5 दुकानना ताळा तोड्या छे। इलेक्ट्रिक मेडिकल प्रोविजन स्टोर सहित 5 दुकाने तस्करोए निशान बनावी घटनानी जाण थता मालपुर पोलीस घटनास्थले दोड़ी आवी तेमज तपास शुरू करी हती। महसाणा कड़ी हाईवे पर भाग्योदर होस्पिटल में दर्दी सगाए होबाड़ो कर्यो। दर्दी की तात्कालिक सारवार सर्टी लेवाना मुद्दे सगाए डॉक्टर साथ झपाझपी करी। सुजातपुरा हरिदास साधु 3 दिवस की सारवार हेठळ हता जेथी तेमना पत्नी और पुत्रे सारवार अंगे सर्टी आपवानुं जणाव्युं त्यारे डॉक्टरे पोलीस इन्क्वायरी आव्या बाद सर्टी आपवानुं कहेता दर्दी सगाओए मारामारी करी जेथी होस्पिटल तंत्रे सगा सहित कुल 3 लोको विरुद्ध फरियाद नोंधावी।